आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है, क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन। देखो बच्चों, जो ये ग्रेविटेशन चैप्टर है ना मेरे भाई, इस चैप्टर के अंदर क्या है, पहले ना इस ग्रेविटेशन वर्ड को अपन समझते हैं, फिर देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो जो ये ग्रेविटेशन वर्ड है ना, इसका जब मैंने गूगल पे इसका मीनिंग देखा तो मेरे को पता चला कि जो इसका मीनिंग होता है वो होता है भाई मूवमेंट, या तो मूवमेंट या टेंडेंसी टू मूव, या टेंडेंसी टू मूव। यानी ग्रेविटेशन जो ये वर्ड है इसके अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात आती है, या टेंडेंसी हो बॉडी की मूव करने की, मूव भले ही ना कर रही हो लेकिन मूव करना चाहती हो। क्लियर है मेरे भाई, मूवमेंट है टेंडेंसी, मूव टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट। और जो मूवमेंट है ना वो भी किसकी वजह से होना चाहिए, किसी अट्रैक्शन के लिए, ड्यू टू अट्रैक्शन, जो मैंने बोला ना मूवमेंट ड्यू टू अट्रैक्शन। तो ये तो मैंने बताने की कोशिश की सिर्फ ग्रेविटेशन वर्ड का मीनिंग। तो कुछ कुछ दिमाग में आया कि भाई जो ग्रेविटेशन है इसका मतलब तो मूवमेंट है या टेंडेंसी टू मूव है, थोड़ा तो और देखते हैं। फिर मेरे को एक वर्ड और मिला ग्रेविस, मेरे को एक और वर्ड मिला ग्रेविस, इसका मीनिंग होता है हैवी, इसका मीनिंग होता है हैवी। तो जितने क्ल्यू मिले उनके बेसिस पे जब कुछ समझने की कोशिश की तो इतना समझ में आया कि कुछ हैवी है और कुछ मूवमेंट है और कुछ टेंडेंसी टू मूव है अट्रैक्शन की वजह से। तो अब समझते हैं कि ये एक्चुअल में चैप्टर में है क्या। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपके लिए ओवरव्यू था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मूवमेंट, कुछ अट्रैक्शन, कुछ टेंडेंसी टू मूव, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट, इस तरीके की कुछ चीजें होंगी जो कि मूवमेंट कराएंगी, वो हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। क्लियर है मेरे भाई। तो देखो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे कि मान लो मैंने किसी स्टोन को ऊपर फेंका, मैंने किसी स्टोन को ऊपर फेंका, तो जब मैंने स्टोन को ऊपर फेंका तो ऊपर क्यों गया भाई, सीधा सा जवाब है आपने नीचे से फोर्स लगाया इसलिए ऊपर गया, ठीक है मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब स्टोन ऊपर चला गया और उसके बाद नीचे आया तो अब सवाल है नीचे क्यों आया, क्या ऊपर से किसी ने फोर्स लगाई, जब स्टोन नीचे जा रहा है तो क्या ऊपर से किसी ने फोर्स लगाई नीचे जाने के लिए, नहीं लगाई। तो बात आती है कि स्टोन नीचे क्यों आ रहा है, मैं ये वाली बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, मैं आप ये वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर मोशन होता है तो फोर्स नेसेसरी होती है उस मोशन को कराने के लिए, यानी बिना फोर्स के मोशन नहीं होता। अगर मोशन हो रहा है तो कन्फर्म है उस पर फोर्स लग रही है। इसीलिए मेरा ये सवाल है कि जब ऊपर फेंका तो समझ आता है मैंने फोर्स लगाई इसलिए मोशन हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है स्टोन, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने स्टोन फेंका ऊपर तो कुछ नहीं है, स्टोन एक जगह पे जाकर नीचे आ गया तो किसने फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन आया। आई बात समझ में कि जो स्टोन है वो नीचे क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ाया कि जब तक फोर्स लगेगी तब तक नीचे नहीं आएगा। तो सवाल उठता है फोर्स लगी कहां से, किसने लगाई, तो इस बात का जवाब हमें मिला फोर्स लगाई हमारी अर्थ ने, किसने लगाई हमारी अर्थ ने, इससे बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है मेरे भाई। तो ग्रेविटेशन मतलब समझ आ गया कि स्टोन का मूवमेंट, अर्थ का हैवी होना और उसको अट्रैक्ट करना। तो वही मैंने देखा था ना ग्रेविटेशन में कुछ वर्ड आ रहे हैं मूवमेंट, टेंडेंसी टू मूव और हैवी, तो इन सब का लिंक आ गया कि जो स्टोन है वो नीचे क्यों आया, वो नीचे फोर्स की वजह से ही आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो स्टोन फोर्स की वजह से आया और वो फोर्स किसने लगाई, वो फोर्स लगाई हमारी अर्थ ने और उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या नाम है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है। अब एक और डाउट मन में आया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है, जो कि अर्थ ने लगाई, क्या स्टोन भी कोई फोर्स लगा रहा था, क्या स्टोन भी कोई फोर्स लगा रहा था, तो उसका जवाब है मेरे भाई यस। इसका क्या जवाब है, यस स्टोन भी फोर्स लगा रहा था। तो एक बच्चे ने क्लास में खड़े होकर पूछ लिया कि जब स्टोन भी फोर्स लगा रहा था तो अर्थ स्टोन की तरफ क्यों नहीं आई, अर्थ स्टोन की तरफ क्यों नहीं आई, स्टोन को क्यों अर्थ की तरफ जाना पड़ा।
क्लियर मेरे भाई। अब इस बात का जवाब मैं वीडियो में आगे चल के आपको दूंगा, क्लियर है मेरे भाई। तो कुछ टाइम बाद मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, क्लियर है एग्जिस्ट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि एक स्टोन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जो कि अर्थ लगाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है क्या सिर्फ अर्थ लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या सिर्फ अर्थ लगाती है या कोई और भी लगाता है? मन में डाउट क्या आया कि जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अर्थ लगा रही है कोई और भी लगाता? तो इसका जवाब है भाई, हर ऑब्जेक्ट लगाता है, इसके पास मास है, हर ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, ये मार्कर जो है, ये मार्कर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मुझ पे, ये मार्कर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अपने आसपास, मेरे आसपास की सारी चीजें एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये बोर्ड भी मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा रहा है। क्लियर है मेरे भाई, ये बोर्ड भी मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा रहा है। तो एक डाउट तो आपको क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अर्थ से नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी पे, हर ऑब्जेक्ट पे, हर वक्त लगती है। क्लियर है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि सर एक बात बताओ, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ये बोर्ड हम पर लगा रहा है और हम बोर्ड पर लगा रहे हैं, तो ना तो बोर्ड हमारी तरफ आ रहा और ना हम बोर्ड की तरफ जा रहे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्लियर है मेरे भाई। तो अभी तक हमारे दो डाउट है। क्या है दो डाउट? पहला, जो स्टोन है जो अर्थ की तरफ आ रहा था वो ये तो क्लियर हो गया था कि अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है इसलिए स्टोन नीचे आ रहा है। क्या स्टोन भी फोर्स लगा रहा था? और अगर लगा रहा था तो अर्थ क्यों नहीं गई स्टोन के पास? पहला डाउट ये था। और दूसरा डाउट ये आ गया कि अगर ये बॉडी या जो ये बोर्ड है और ये मार्कर है, ये हम एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगा रहे हैं तो हम सब लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? मैं क्यों बोर्ड की तरफ नहीं जा रहा, बोर्ड मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? ये दो डाउट है, दोनों डाउटों को अच्छे से समझते हैं। देखो दोनों डाउट के लिए पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपन को कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मेरे भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताएगा कितनी फोर्स लगेगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताएगा? कितनी फोर्स लगेगी। क्योंकि अब तक हमें यह क्लियर हो चुका है कि एक फोर्स लगती है दो बॉडी के बीच में, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएगा कितनी लगती है, हाउ मच फोर्स, यानी फोर्स लगती है तो कितनी लगती है वो बताएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमसे कहता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी है एम वन और दूसरी बॉडी है एम टू, इनके बीच का डिस्टेंस है आर। क्लियर है मेरे भाई। अभी मैंने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ नहीं लगाती, ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी हर दूसरी बॉडी पर लगाती है। तो मैंने मान लिया एक बॉडी एम वन एक बॉडी एम टू, उनके बीच का डिस्टेंस आर। तो हमें पता है कि भाई ये भी लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स और ये भी लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे की तरफ लगाएंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ध्यान से समझना, कि जो ये फोर्स लग रही है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दो बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन मासेस के प्रोडक्ट के बराबर जो कि दो मासेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हुई बात मेरे भाई, कि एवरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये भी समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। यानी मास जितना कम होगा फोर्स उतनी कम होगी, मास जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास बोल लो, जितना ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी। तो अब हमें आइडिया हो गया, अब हमें आइडिया हो गया कि भाई जो दो ऑब्जेक्ट है उन पर जो फोर्स लग रही है वो हो सकता है कम लग रही हो, क्योंकि मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। देखो जब स्टोन और अर्थ की बात है तो एक मास हो जाएगा अर्थ का और एक मास हो जाएगा स्टोन का, तो स्टोन का मास इनटू अर्थ का मास, भाई ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट आएगा, ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट आएगा, तो हो सकता है इसलिए फोर्स हमें दिखाई दे रही हो। और जो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है
इनके मासेस का प्रोडक्ट बहुत कम हो, इसलिए फोर्स हमें दिखाई ना दे रही हो या फोर्स बहुत कम लग रही हो, तो कुछ आइडिया हो गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बात तो ये कही, क्लियर है मेरे भाई। दूसरी बात कही फोर्स ने कि सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती फोर्स, फोर्स डिपेंड करती है कि वो कितनी दूर रखे गए हैं। इसने बताया कि फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और इस बात का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। डायरेक्टली का मीनिंग होता है जितना ज्यादा होगा उतना ये भी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इनवर्सली का मीनिंग होता है अगर ये ज्यादा होगा तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर तो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होंगे उतनी फोर्स कम लगेगी, और दो प्रोडक्ट जितना ज्यादा पास होंगे फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर मेरे भाई। अगर दोनों को मैं कंबाइन करके एक साथ लिखूं, इसे इक्वेशन वन माना इसे टू माना, अगर दोनों को कंबाइन करके लिखूं, ऑन कंबाइनिंग कंक्लूजन निकलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। कुछ भाई नया नहीं है, दोनों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो मासेस ऊपर लिख दिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए डिस्टेंस नीचे लिख दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरे भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है मेरे भाई। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो आप सुन लो कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इसकी जगह आता है इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का अगर साइन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटकर तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता है साइड में। तो यहां पर मेरे भाई कॉन्स्टेंट आ गया जी, एम वन पहले से लिखा था, एम टू पहले से लिखा था, आर स्क्वायर पहले से लिखा था, तो फाइनल कंक्लूजन आ गया ये एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी जी का नाम होता है क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो जनरल नेम हो गया, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो जनरल हो गया, जी नहीं आता तो के आता, के नहीं आता तो एम आता, एम नहीं आता तो ए आता, कुछ भी आता तो बोलते उसे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन जो यहां पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है उसका नाम है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या है मेरे भाई, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मेरे भाई ये आ गया यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ पे लगता है, पूरे इस ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी है उन दो बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा जिसे बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स लगेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो दो बॉडी है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दो बॉडी के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है मेरे भाई, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है ये लॉ, इसीलिए बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है मेरे भाई। तो अब हमें यह तो पता चल गया कि फोर्स कितनी लगती है। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े तो जो आपके जो दो डाउट है उनका जवाब मैं अब दे देता हूं कि उनका जवाब क्या होगा, ऐसे रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, पहला डाउट तो मेरे भाई ये था कि मान लो ये एक स्टोन है, ये क्या है मेरे भाई, एक स्टोन है, और इसे मैं अर्थ मान लेता हूं फिलहाल के लिए, इसे मैं अर्थ मान लेता हूं। हमें पता है कि स्टोन अर्थ की तरफ आ रहा है क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है, अर्थ एक फोर्स लगा रही है इसलिए स्टोन नीचे आ रहा है, दिक्कत भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला डाउट ये था आप लोगों का, क्या ये स्टोन भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, हाँ या ना, तो इसका जवाब था मेरे भाई हाँ, स्टोन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अर्थ ने जो फोर्स लगाई मैंने मान लिया एफ वन, अभी अभी सर आपने कहा कि स्टोन भी फोर्स लगा रहा है, लो मान लो एफ टू, कि भाई स्टोन ने फोर्स लगाई वो F2, अर्थ ने फोर्स लगाई F1। क्लियर है मेरे भाई। अभी अभी हमें पता चला कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम फोर्स पता कर सकते हैं। एक बात और बता रहा हूं ध्यान से, स्टोन जितनी फोर्स अर्थ पे लगाता है, स्टोन जितनी फोर्स
अर्थ पे लगाता है, अर्थ भी उतनी ही फोर्स स्टोन पे लगाती है। क्लियर है मेरा भाई? तो आपके मन में आ गया दोनों की फोर्स एक जैसी है, तो स्टोन क्यों अर्थ के पास आ रहा है, अर्थ क्यों स्टोन के पास नहीं जा रही? तो इसी का जवाब देता हूं मैं, ध्यान से समझता हूं। देखो मैं निकालता हूं 1/F1 की वैल्यू निकालता हूं जो कि अर्थ फोर्स लगा रही है। अगर मैं F1 निकालूंगा तो मैं पता चला जी इसका मैं मास मान लेता हूं कैपिटल M, इसका मास मान लेता हूं स्मॉल M। ठीक है मेरे भाई? तो कैपिटल M स्मॉल M भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर जी आ गई मेरी F1 की वैल्यू। कोई दिक्कत मेरे भाई? जो ये फोर्स अर्थ ने लगाई वो इतनी लगाई, जी कैपिटल M भाई M आर स्क्वायर। अब देखते हैं स्टोन ने कितनी फोर्स लगाई F2। अब ये भी इतनी फोर्स लगाएगा क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि जितनी फोर्स अर्थ लगाती है उतनी फोर्स स्टोन लगाता है। ठीक है मेरे भाई, ये भी जी कैपिटल M स्मॉल M भाई आर स्क्वायर इक्वेशन 2। क्लियर है मेरे भाई यहां तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं लाइव आऊंगा। लाइव में ना आपके सिर्फ डाउट ही डिस्कस किया करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर कमेंट में मुझे लगेगा कि काफी डाउट्स है तो मैं लाइव आके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है, स्टोन कितनी फोर्स लगा रहा है, और साथ में हमें यह पता चला था अभी F1 बराबर होगा F2 के, F1 बराबर होगा F2 यानी अर्थ की फोर्स बराबर होगी स्टोन की फोर्स के। तो बात यह थी कि अर्थ क्यों नहीं स्टोन के पास जा रही, इसे समझाता हूं। मैं ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला और होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F=ma। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी याद आ जाएगा। याद आ गया F=2 क्या होता है मेरे भाई? मास इंटू एक्सिलेशन। तो F1 को मैं ले सकता हूं मास, तो F1 किसकी फोर्स है अर्थ की, तो कैपिटल M ले लिया मैंने, मास इंटू स्मॉल a एक्सिलेशन ले लिया, इस पर एक्सिलेशन हो रहा है। अब जो F2 है, जो ये F2 है इसमें ले लेता हूं मास इंटू एक्सिलेशन। अब मेरे भाई एक बात ध्यान से बताना, इनका एक्सिलेशन अलग मान लेता हूं A1 इसका A2। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी तो मेरे भाई इक्वल है, दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों फोर्स क्या है इक्वल है, ये तो मस्ट है। तो अब ये दोनों चीजें भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई आपकी फोर्स इक्वल है, ये आप ही ने बताया, अभी मैंने खुद ही बताया कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो क्या ये भी चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि है नहीं एफ कष्ट होता है एम, जब फोर्स बराबर है तो एम भी तो बराबर ही होंगे एक दूसरे के। तो ये कब पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, देखो ये मास है बहुत ज्यादा, ये मास है बहुत ज्यादा और ये वाला मास है बहुत कम, क्योंकि कैपिटल मास से अर्थ का मास ये तो बहुत ज्यादा है, और जो स्टोन का मास है वो बहुत कम है, स्टोन का मास होगा बहुत छोटा सा, मुश्किल से आधा किलो का भी नहीं होगा, और तो भाई 10^24 जाके कहीं मास होगा, कंपेयर ही नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है दोनों इक्वल हो जाए? ये तब पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन इसका तो बहुत ज्यादा हो, इसका तो बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन हो, ताकि मल्टीप्लाई करके छोटी वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए, और इसमें एक्सीलरेशन बहुत कम हो, इसके अंदर एक्सीलरेशन बहुत कम हो, ताकि इसका एक्सीलरेशन बहुत कम आएगा, मास बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आएगी, इसका मास बहुत कम है लेकिन एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा आएगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आ जाएगा मेरे भाई। समझ आया अच्छे से कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही कंडीशन में इक्वल आ सकता है, क्योंकि देखो मास में तो बहुत फर्क है, तो जो मल्टीप्लाई चीज हो रही है उसमें कम ज्यादा कर दो, तो इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, बहुत कम ना के बराबर होगा, तब इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा तब इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर आएगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अर्थ के अंदर एक्सीलरेशन ना के बराबर होगा, जब अर्थ के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो अर्थ अपनी ही जगह रहेगी, ये नहीं हिलेगी। हिलना किसको है? छोटे एम वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा होना, यानी स्टोन को ही हिलना है। क्लियर मेरे भाई? तो थोड़ा सा समझ आ गया कि स्टोन का एक्सीलरेशन क्यों हुआ, अर्थ का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको वेरीफाई करना था कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल होने के लिए जरूरी है कि एक बॉडी जो कि हैवी है उसमें एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, जो बॉडी हल्की है उसमें बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन होना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि स्टोन अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रहा।
अर्थ क्यों स्टोन को खींच रही है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा डाउट क्या था? तो जो दूसरा डाउट था वो ये डाउट था कि चलो अर्थ का केस तो समझ आ गया, अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है इसलिए स्टोन को उसने खींच लिया। लेकिन हमारा दूसरा डाउट ये था कि दो बॉडी है एम वन और एम टू, आर डिस्टेंस पर है। क्या है मेरे भाई? आर डिस्टेंस पर इस जे इसको फोर्स लगाएगी और ये इस पर फोर्स लगाएगी और दोनों आपस में फोर्स लगाएंगी, तो ये क्यों नहीं हिल रहे? दूसरा डाउट बिल्कुल सही पकड़ाना मेरे भाई मैंने। दूसरा डाउट यही तो था कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस बोर्ड पर लगा रहा हूं तो ये बोर्ड मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, या अगर मैं बोर्ड की तरफ क्यों नहीं जा रहा। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका जवाब देता हूं। देखो मेरे भाई, अभी भी हमने देखा था कि जो फोर्स लग दी है वो किसके इक्वल होती है? यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम वन पहली बॉडी का मास, एम टू दूसरी बॉडी का मास, इनका प्रोडक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस आर, इसका स्क्वायर। क्लियर है? इसकी इक्वल होती है। तो इस बात का जवाब मैं देता हूं। मान लो कि ये दोनों बॉडी एक एक केजी की है, ठीक है मेरे भाई, चलो 5 किलो की मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 किलो की है, ये भी 5 किलो की है, ठीक है मेरे भाई। और ये मान लो 1 मीटर दूर रखी है, 2 मीटर दूर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर दूर है। तो अगर मैं यहां वैल्यू लगाऊंगा 5 × दूसरे की भी 5/2 का स्क्वायर 4, साथ में जी, तो जी 20/4, ठीक है, और 4×5 = 20, यानी 5g। आप कहोगे इतनी फोर्स लगेगी? रुको भाई, जी की वैल्यू भी देख लो। जी की वैल्यू बताता हूं क्या होती है। 5 × जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹। अब देखो ये आ गया मेरे भाई, ये दिक्कत कर रहा है 10⁻¹¹। अब भले ही 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, भले ही 5 का, लेकिन 10⁻¹¹ बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई करके इस पूरे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कम कर देगी। तो मैं कह सकता हूं जो ये फोर्स लग रही है वो बहुत ज्यादा कम लग रही है 10⁻¹¹ आने की वजह से। तो अब हम कह सकते हैं कि मेरे भाई फोर्स तो लग रही है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फोर्स बहुत कम लग रही है, तो बोल सकते हैं वीक फोर्स है। कैसी फोर्स है? वीक फोर्स है। वो फोर्स इतनी नहीं है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन करा दे, किसी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन करा दे। कम से कम 10⁻¹¹ है, इसको कैंसिल आउट होना पड़ेगा, तब जाके कुछ फोर्स आएगी वैल्यूएबल जो कि किसी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन करा पाएगी। और उस मास के लिए कम से कम चाहिए एक अर्थ का मास या फिर किसी भी प्लेनेट का मास। क्लियर है मेरे भाई? तो इसीलिए जब अर्थ की बात आती है तभी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई पड़ती है, लेकिन जब ये 5 किलो 2 किलो की चीजों की बात आती है या हमारे आसपास की चीजों की बात आती है तो जो ये फोर्स लगती है वो बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होती है। आप देख सकते हो वैल्यू को। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं लगाती, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी पर लगाती है, पर वो फोर्स बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ती। क्लियर है मेरे भाई? दोनों डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए। पहला डाउट जो था आपका कि अर्थ स्टोन की तरफ क्यों नहीं जा रही, वो भी अच्छे से क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट भी क्लियर कर दिया कि जो दो बॉडी है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो दोनों बॉडी पास क्यों नहीं आती। ठीक है मेरे भाई, दोनों डाउट क्लियर है। आगे बढ़ो। फिर अगला कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, वो भी बता देता हूं। आता है डिफाइन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैसे को डिफाइन करते हैं? डिफाइन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, डिफाइन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट किया ये कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? तो देखो एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर, इसका फॉर्मूला होता है मान लो इफ एम वन बराबर रख दू एम टू के बराबर रख दू आर के, इनको 1 रख दू सब। वो तो जब एम की जगह 1, एम टू की जगह 1, आर की जगह 1, तो क्या आ जाएगा मेरा फोर्स बराबर जी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है, तो ध्यान से समझना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को क्या हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक फोर्स के बराबर होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक फोर्स के बराबर होता है अगर वो फोर्स लग रही हो दो बॉडी के बीच में जिनका मास 1 हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 हो, तो उस फोर्स इक्वल होती है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के। क्लियर है मेरे भाई? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट उस फोर्स के इक्वल होता है जो कि दो बॉडी के बीच में लग रही होती है और वो दोनों ही बॉडी
यूनिट मास की होती है और यूनिट डिस्टेंस पर ही रखी होती है। तो ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या डेफिनेशन लिखी, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां लिख देता हूं फोर्स, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज, जो कि एग्जिस्ट कर रही होती दो बॉडीज के बीच में, ऑफ यूनिट मास कैप्ट एट यूनिट डिस्टेंस, जो कि यूनिट मास के यूनिट डिस्टेंस पर रखे गए होते हैं, तो उनके बीच में जो भी फोर्स होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के। ठीक है मेरे भाई, अगर अब हम दो बॉडी के बीच में फोर्स अगर निकालना चाहें कि लगभग कितनी फोर्स लगती होगी, अब तक ये तो पता चल गया कि जो दो बॉडी होती है उनके बीच में बहुत ज्यादा कम फोर्स लगती है, इसलिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करती, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता चलने की वजह से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी फोर्स लगती होगी। देखो भाई, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, दूसरी बॉडी है M2 जिसका मास है 1 kg और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 meter, तो देखते हैं वो दोनों एक दूसरे कितना फोर्स लगाएंगी। जैसे आप रख लो, एक रख लो एक किलो का और 1 meter की दूरी पर रख दो, तो देखो कितना फोर्स लगाएंगे, निकालते हैं। एफ बराबर होता है जी M1 M2 / R2, यहां से जब मैं वैल्यू लगाऊंगा M की 1 M2 की 1 R की 1 का स्क्वायर, तो एफ बराबर आ गया मेरे भाई जी, और जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, इतनी न्यूटन फोर्स लगेगी, यानी दो बॉडी जिनका मास 1 kg है उन दोनों के बीच में 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन फोर्स लगेगी। क्लियर है मेरे भाई, तो इतनी ये बहुत ही ज्यादा कम फोर्स है, इसलिए वो दोनों बॉडी 1 kg की आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है मेरे भाई, एक और बात कर लेता हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट की, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी क्या होती है। यूनिट मतलब कि जैसे मास की होती है kg, टाइम की होती है सेकंड, और अपन की स्पीड की होती है m/s, तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी को किस में मेजर करते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से। एफ बराबर था मेरे भाई जी M1 M2 / R2, अगर मैं इसे जी के टर्म में लिखूं तो एफ यहां आ जाएगा, या ऐसे समझ लो आर इधर आ जाएगा, M1 M2 नीचे आएगा, जी रह जाएगा। ठीक है, यहां ले आते हैं, तो यहां हो जाएगा F R² / M1 M2 = G। क्लियर है मेरे भाई, अगर जी की ऐसा ही यूनिट पता करनी है तो क्या करेंगे, सबको ऐसा यूनिट पर लगाते हैं, अपने जी की यूनिट पता चल जाएगी। ठीक है, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, आर डिस्टेंस क्या होती है मीटर, R² = m², मास की क्या होती है kg, दूसरे वाले मास की भी क्या होगी kg = g, तो मेरे भाई यूनिट आ गई N·m² / kg², यानी जी की जो यूनिट होती है SI वो होती है N·m² / kg². क्लियर है मेरे भाई, तो ये अपन की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी जो वैल्यू थी ना 6.67 × 10⁻¹¹, उसके पीछे आएगा यही N·m² / kg², यानी ये यूनिट बता रही है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है। क्लियर है मेरे भाई, तो ये था आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर क्लास 9th का, उसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक वीडियो को अच्छे से देखते रहो भाई, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।